फिल्म का नाम ही इतना अलग और हटके है कि ना चाहते हुए भी फिल्म की प्रमोशन हो ही जाती है। हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार शामिल होने के कारण और पीछे राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर का हाथ, जिसने आज तक तो कोई फ्लॉप फिल्म दी ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है इतना सारा तामझाम फोकट में हल्ला करने के लिए नहीं लगाया गया है? ट्रेलर की शुरुआत ही साल 1995 की शुरुआत से होती है, जहाँ पे पंजाब के एक शहर लालटी में सेम यशराज की फिल्मों की तरह शाहरुख खान की ट्रेन से उतरते हुए एंट्री हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी ग्लोबलाइजेशन के धक्के खा रही थी, उसके सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में भारत के हर एक गाँव का युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, शहर जाकर विदेश जाकर चार ज्यादा पैसे कमाने की सोच रखने लगा था। ऐसी विकट परिस्थिति में विदेश जाने के लिए उसी गांव के चार युवक, जिसमें से एक नाई है तो दूसरा कपड़े का व्यापारी है, तीसरा और चौथा युवक जैसे पढ़ाई के नाम पे पूरी तरह से धब्बा साबित होता है। ऐसे एक से बढ़कर एक नमूने जो विदेश जाने के लिए पूरी तरह से लीगली प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए वो अंग्रेजी की ABCD ना आते हुए भी पूरी तरह से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें से अगर इक्का दुक्का तुक्का लग गया तो बहुत ही खुश हो रहे थे। यहाँ पे विकी कौशल का ये गांव के छोरे का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सहज और सिंपल लग रहा है, और अंग्रेजी का कोर्स पूरा करने के बाद में सब वीजा के लिए अप्लाई करने जाते हैं। तब उस ऑफिस में बाकी के चारों तो नहीं दिखते हैं, लेकिन विकी कौशल का किरदार और वो वीजा ऑफिसर की बातें ना समझ आने के कारण उसको खरी खोटी सुना रहा है, और शायद उसी झगड़े के कारण विकी कौशल के किरदार की उसी सीन के बाद में मौत होती हुई दिखाई देती है, और ये कोई नैसर्गिक मौत नहीं है, वो पूरी तरह से हत्या होती है। और शायद इसी कारण से जहाँ पे ये चारों विदेश जाने के लिए पूरी तरह से इंग्लिश वाला ट्राई मार रहे थे, पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। इसी घटना के साथ साथ जिस ऑफिसर ने ये कांड किया था या ये कांड होने के लिए पूरी तरह से उसे उकसाया था, वो कोर्ट केस होने के डर से वहाँ से अपने देश भाग जाता है, और उसी ऑफिसर को आगे जाके शाहरुख खान का किरदार किसी चर्च में पीट रहा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कहानी के तार यहाँ पे जाके जुड़ रहे ऐसा लगता है। अपने दोस्त की इस अचानक से हो गई मौत के कारण शाहरुख खान का किरदार पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। अब तक जहाँ पे वो विदेश जाने के लिए पूरी तरह से लीगली कोशिश कर रहे थे, ये घटना इन चारों की सोच को, दिमाग को इस तरह से घुमा देती है कि यहाँ पे उस ऑफिसर से रिवेंज लेने के चक्कर में ये चारों कौन से भी रास्ते से विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पानी के रास्ते से या जमीन के रास्ते से, सौदागर बनते हुए या आतंकवादी बनकर इन्हें बस जाना है और विदेश जाकर ही अपना रिवेंज पूरा करना है। लिटरली दोस्तों, कहानी का जो एंगल ट्रेलर में दिख रहा है वो किसी भी एंगल से मुझे खास नहीं लग रहा है। हाँ, इस कहानी को जो राजकुमार हिरानी वाला खास डायरेक्टर टच मिलेगा, शायद यही बातें इस कहानी को पत्थर से सोने में बदल सकती है। शाहरुख का इस फिल्म में होना किसी भी मायने में बड़ी बात नहीं लगती है, शायद राजकुमार हिरानी के साथ वाली दोस्ती के कारण शाहरुख ने ये फिल्म की होगी, जो मजबूरियां रही होंगी वो शाहरुख को ही पता होगी। शाहरुख खान की इसी साल की पठान जवान के बाद में ये आने वाली तीसरी फिल्म है, जो शायद ही शाहरुख खान के स्टारडम के कारण अपने बजट का पैसा निकल पाएगी। डंकी के ट्रेलर के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ में और एक नई रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।